हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम दिखाएंगे आपको मेहरानगढ़ का फोर्ट और जसवंत थाड़ा, ये दोनों चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हो वीआईपी ब्लॉग पर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम निकले राजस्थान यात्रा करने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हम दिखाएंगे राजस्थान के अंदर। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको जसवंत थाड़ा, फिर मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो जसवंत थाड़ा, अंदर जाकर दिखाएगा। यहाँ से आप आओगे, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगाकर, और वहाँ टिकट वाला उसके आगे वो रास्ता है। ये 30 रुपये की टिकट है यहाँ का, और आगे जसवंत थाड़ा, ये है देवकुंड। तो आगे हम दिखाते हैं आपको जसवंत थाड़ा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दूर से। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, अभी ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, और इस टाइप से है कुछ यहाँ का नज़ारा। ये ऊपर चढ़ने कुछ ऐसी सीढ़ियाँ, और ऊपर वाइट मार्बल का बना। सबसे पहले तो ये बना हुआ है, तो ये हम अंदर जाके दिखाते हैं आपको। फिर ऊपर चढ़ने का, और फिर जसवंत थाड़ा। ये है भाई राजस्थान का ताजमहल, बहुत ही प्यारा। ये देखो भाई साहब, हम लोग खड़े हैं अभी जोधपुर के अंदर जसवंत थाड़ा, काफ़ी खूबसूरत है। अभी हम इसके अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे, और ऐसा कुछ नज़ारा है। और इसको बोला जाता है राजस्थान का ताजमहल। इसे आप देखोगे तो जसवंत थाड़ा के जस्ट सामने है मेहरानगढ़ फोर्ट, और यहाँ पर भी हम अभी जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे क्या है वहाँ पर। ये है जसवंत थाड़ा के अंदर जाने का रास्ता, ये आप देख सकते हो, और अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये कुछ नज़ारा है जसवंत थाड़ा के अंदर का, और वो सारी महाराजाओं की फ़ोटो लगी है, और बीच में कुछ महाराजा की फ़ोटो लगी है, जहाँ पर आप देख सकते हो यही है। कुछ दरवाजे बने हुए हैं यहाँ पर, जो ऐसे नीले नीले कलर के देख रहे हो। और ये इसका बैक साइड है, और इधर से वापस जाने की रास्ता। अब जाना है अपने को वहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट, वो भी देख लेते हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा है, पूरा काम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे वाइट मार्बल का। ये भी पार्क, रियो जोधा पार्क, ये भी यहीं पे बना हुआ है जसवंत थाड़ा के पास में। इधर जाने का रास्ता, और ये कुछ ऊपर से किला। ये है टिकट काउंटर, और इस साइड में आप जाओगे तो किले के अंदर का रास्ता। 200 रुपये की टिकट इस किले के लिए। ये बाद में बनता है। ये है राव जोधा जी का फलसा, फलसा यानी राजस्थानी भाषा के अंदर आप गेट को बोल सकते हो, यानी डोर है ये।
किले में घुसते वहाँ से एंट्री। दोस्तों आज हम जानेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर की शान है, वो किला कैसे बना, क्या है उसका सच्चाई, वो हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो इस किले का निर्माण 1459 के अंदर राव जोधा जी ने करवाया था और जो कि जोधपुर के अंदर आप स्थित है। आप किले को देख सकते हो, 410 फुट की हाइट पर स्थित है और एक विशाल किला है जो कि राजस्थान के अंदर माना चुना किला है। और इसका प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर बना है जो कि बहुत ही शाही है। और इस किले के अंदर जाने के लिए आपको 7 द्वार से गुजरना पड़ेगा जिसके अंदर विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरों गेट, डेट क्रमांकर गेट, फतेह गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम पर शामिल है। और इस किला का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंदर राठौड़ शासकों ने राव जोधा जी ने करवाया था और इस जोधपुर की स्थापना उन्होंने की थी। और ये राजा राजमल के पुत्र थे जो कि मंडोर पर शासित थे, इसलिए उन्होंने लगा कि हमारा जो मंडोर है उसका किला थोड़ा सा जर्जर हो चुका था तो अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने भाऊ चोरिया पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण किया जो कि मंडोर से 9 किलोमीटर दूर है। और मेहरान का अर्थ सूर्य होता है, इसीलिए उनके मुख्य देवता सूर्य देवता के नाम से इस किले का नाम मेहरानगढ़ किला नामांकित किया गया और इसका निर्माण किया गया। बाद में जो अलग ज़्यादा थे, मालदेव थे, अजीत सिंह थे, तख्त सिंह थे, उन्होंने अलग अलग निर्माण कराया। इस किले की खासियत की बात करूँ तो ये किला राजस्थान जो विभाग आता है उसके अंदर सबसे अच्छा किला माना गया और ये एक लवन चट्टान के ऊपर बना हुआ किला है, लगभग 400 फीट की हाइट पर बना हुआ है। और इस किले का निर्माण राव जोधा जी ने कराया था। जब राव जोधा जी इसका निर्माण कराते तब इस जो पहाड़ था इसके ऊपर एक ऋषि पूजा करते थे जिनका नाम था चारिया नाथ जी। उनको यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया कि आप इस किला बना रहे हो लेकिन इसके अंदर पानी की समस्या आएगी। लेकिन बाद में राव जोधा जी ने उनको लिए एक मंदिर बनवाया और घर भी बनाया और उन्होंने प्रसन्न किया। और इस किले के अंदर आप जाओगे तो बहुत लोग आपको नृत्य करते हुए दिख जाएंगे। इस किले के अंदर बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है जिसके अंदर से आप बताते हैं द डार्क नाइट राइज और द लॉयन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों ये है फूल महल जो कि काफ़ी खूबसूरत नक्काशी से किया हुआ है और काफ़ी अच्छी जगह भी है। जो आप अगर जाओ फूल महल देखने के लिए तो वहाँ पर फोटोग्राफी ज़रूर करना। और ये है यहाँ का शस्त्र गृह जहाँ पर कुछ भाले तलवार वगैरह रखी हुई है तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हो। और ज़रूर यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है हर चीज़ की तो वो पढ़ सकते हो, किस राजा ने कब ये बंदूक चलाई थी, वो हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है तो वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। और बहुत बहुत जगह पे अच्छे अच्छे महल बने। इस किले के अंदर जो बोलूँ ना तो ये मेरे को शीश महल है तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लाजवाब, आपको देखने पर पता नहीं चलेगा लेकिन जब आप इसको अपनी आँखों से देखोगे ना, एक्चुअल आँखों से, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस टाइम के अंदर इतने वो थे मतलब कारीगर थे। और उसके बाद में आप ब्लू सिटी भी देख सकते हो जो कि यहाँ से मैंने कुछ जूम मार के आपको दिखाया है। और उसके बाद में पेंटिंग, यहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशन लगी हुई है। और जो झूले रहते हैं, जो बच्चों के झूले रहते हैं ना, पालने का मैंने यहाँ पे कलेक्शन देखा था कि पहले के राजा के पास में कितने बड़े पालने थे जो कि अलग अलग कोई राजा रहते थे ना, जैसे उनके रिश्तेदार रहते थे वो लोग उनको गिफ्ट देते यानी भेंट करते थे, वही था। और ये है दोस्तों शीश महल। तो दोस्तों इस किले के अंदर मैंने जनानी डोडी के लिए दिखा और ऊपर मैंने देखा तो बहुत सारी चिड़ियाँ अंदर घोंसला डाल के, बहुत ही अजीब नज़ारा देखने वाला, कभी आप जाओ तो यहाँ पर ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये सब चीज़ देखने के बाद में कैसा हॉल आएगा और उसके बाद में आपका एग्जिट हो जाएगा, इतना ही इस किले के अंदर था। और उसके बाद में मैं थोड़ा बाहर गया तो कुछ शॉपिंग के लिए बनाया है और यहाँ पर मंदिर भी है तो वो भी आप देख सकते हो मैंने जाके मंदिर के अंदर। जी हम ख़त्म हो चुका है, अब आगे जाते हैं क्या है और वो भी दिखा देते हैं आपको। यस ऐसा कुछ है ऊपर चढ़ने के बाद, मुझे लगता है वहाँ पर व्यू पॉइंट है बस। यहाँ से पूरा जोधपुर नज़र आता है और यहाँ पर बहुत सारी तोपें रखी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके जस्ट पीछे ही माँ चामुंडा माता का मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है और इस किले का जब निर्माण हुआ था तब का ये मंदिर है। तो आज भी यहाँ पर राज परिवार बताते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो मैं भी चला गया मंदिर देखने के लिए। उसका जब आए हैं तो मंदिर भी देख लेते हैं, मैंने देखा काफ़ी अच्छा मंदिर है और वीडियो तो बनाने नहीं दिया पर देख लिया मैंने जितना देखना था। लास्ट
कॉर्नर पे माँ चामुंडा माता का मंदिर। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।